मैं उदय स्टेलर, हम पासे के बारे में बात कर रहे थे, पासे का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि किसी भी पासे की आपको दो पोजीशन दी हुई थी और आपको एक साइड सेम थी, सेम मतलब कॉमन थी, जैसा कि हमने देखा था। हमने उसमें अंकों वाले क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जिसमें किसी पासे पर आपको अंक लिखे हुए थे, लेकिन अगर आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जहां पे अंक की जगह पर कुछ भी आ जाए, अल्फाबेट लिखे हुए आ जा सकते हैं, कलर लिखे हुए आ सकते हैं और भी दूसरे किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि सपोज यहां पर ए है या बी है या सी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है और यहां पर ई है। आपसे पूछा गया कि सी के अपोजिट कौन सा अंक होगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमने अंकों के बारे में बात की अगर पासे के अंदर, तो हम जानते हैं कि अंक फिक्स है, 6, 1 2 3 4 5 6। परंतु जब वहां पर किसी प्रकार का अल्फाबेट आ जाता है, कलर का नाम आ जाता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, तब हम किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने देखा यहां पर कि ए बी और सी है, सी डी और ई है। वैसे तो हम जानते हैं कि अल्फाबेट के अंदर इसी क्रम में आगे एफ आएगा, लेकिन क्या आए आगे उसकी आपके सामने कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे ऑप्शन ए आया सी के विपरीत ई है, बी आया सी के विपरीत एफ है, सी ऑप्शन आया कि सी के विपरीत ए है और डी विपरीत आया नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। और हमें क्या इसके विपरीत किसी भी प्रकार के अंक का अनुमान नहीं लगा पा रहे, हम सीधा एक ऑप्शन देखेंगे नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं, जो हमारा गलत होगा। हमें क्या करना है दोस्तों, पासे के अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि इनके अंदर सबसे कॉमन चीज कौन सी है, कॉमन चीज क्या आ रही है, सी। हमने गणित के अंकों में देखा था कि जो कॉमन चीज आ रही थी वो उसके विपरीत क्या थी, जो इनमें छिपी हुई थी, जो हमें इनमें दिखाई नहीं दे रही थी। यहां पर कॉमन चीज क्या है, सी। सी के विपरीत क्या होगी, जो इनमें छिपी हुई है, और वो हमें कहां दिखाई देगी, ऑप्शंस के अंदर। ई हमें यहां दिखाई दे रहा है, इट मींस सी के विपरीत ई नहीं है। ए यहां पर दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए भी सी के विपरीत नहीं है। क्या एफ हमें यह दिखाई दे रहा है, नहीं, मतलब सी के विपरीत क्या आएगा, एफ, जो हमारा सबसे राइट आंसर आएगा। इसी प्रकार दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस और करते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। सपोज कीजिए यहां पर आया हरा, गुलाबी, यहां लिखा आया नीला, यहां पर आया हरा, बैंगनी, पीला। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, जिसके अंदर चार ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरे रंग के विपरीत कौन सा अंक होगा पासे की इस स्थिति के अंदर। ऑप्शन ए था लाल, बी था नीला, ऑप्शन सी था पीला और ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबोव, मतलब ऊपर में से कोई नहीं। वही स्थिति आपको देखनी दोस्तों, सबसे कॉमन अंक कौन सा आ रहा है, कॉमन कलर है ना, हरे के विपरीत क्या होगा, जो हमें इन ऑप्शंस के अंदर इन पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हमें नीला यहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हरा इसके हरे के विपरीत नीला नहीं हो सकता। क्या हमें पीला यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पीला इसके विपरीत नहीं हो सकता है। क्या हमें यहां लाल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हरे रंग के विपरीत कौन सा अंक होगा हमारे, लाल। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस बिल्कुल सरल है, इन क्वेश्चंस को है कठिन अब सरल है,
अब आप लोगों के लिए ये बिल्कुल सरल हो चुके हैं। जैसे हम वापस इन्हीं क्वेश्चंस पे आते हैं, अगर आपसे पूछा गया यहाँ पे सी के विपरीत तो हमने निकाल दिया था एफ, अब आपसे पूछा यहां पर ए के विपरीत क्या होगा, सी कॉमन था, सी से आप चले घड़ी की दिशा में और यहां पर भी चले आप घड़ी की दिशा में, सी के विपरीत घड़ी की दिशा में क्या मिलेगा आपको ए, यहां पर सी के विपरीत घड़ी की दिशा में क्या मिलेगा दोस्तों आपको डी, वापस आप घड़ी की दिशा में चले यहां से आगे, यहां पर मिला आपको बी, यहां पर चले आप घड़ी की दिशा में आगे ई, सी के विपरीत था एफ, ए के विपरीत था डी, बी के विपरीत था ई। इसी प्रकार दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन के अंदर आगे बताएंगे कि गुलाबी के विपरीत क्या होगा और नीले के विपरीत क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, हमने आपको इस वीडियो को सरल बनाने की कोशिश करी है, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके लिए ये जो पासा सबसे कठिन टॉपिक था वो अब धीरे धीरे सबसे सरल बनता जा रहा है। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलें।